सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपकी फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, जी एंड हमने जब अभी रिव्यू किया तो लोगों को खास करके आपका जो कैरेक्टर है जी लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, तो आप बताइए क्या कुछ फीलिंग होती है? फिल्म रिलीज हो चुकी है, जी लोगों को आपका कैरेक्टर बहुत ही पसंद आ रहा है जो कि नेगेटिव है, हाँ मतलब देखो लोगों को क्या लोगों पसंद को आ रहा है, पसंद आ रहा है। देखो नेगेटिव पसंद नहीं, बट एक्चुअली मेरे लिए एज एन एक्टर ये बड़ा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट सा रोल था, बिकॉज़ काफ़ी अरसे से मेरा एसोसिएशन कॉमेडी के साथ थोड़ा ज़्यादा रहा है, तो यू नो ऑब्वियसली मैं टाइप कास्ट नहीं कहूँगा लेकिन लोगों को ऐसा लगता है श्रेयस है तो फिल्म में शायद कुछ कॉमेडी होगा। ये बहुत अरसे बाद मैंने एक सीरियस किस्म की फिल्म की है, एक सीरियस मुद्दे पे फिल्म की है, एंड प्लस इसमें एक थोड़ा सा ग्रे शेड्स वाला या नेगेटिव किस्म का कैरेक्टर किया, तो थोड़ा सा नर्वस मैं भी था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट जो इंडस्ट्री क्रिटिक्स और ऑडियंस का जो रिस्पांस आया तो वो काफ़ी एनकरेजिंग रहा, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज हर एक्टर चाहता है कि वो कुछ नई कोशिश करे, कुछ नया ट्राई करे, बट सिमिलरली टेंशन ये भी रहती है कि ऑडियंस आपको उसमें एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, तो जब ये रिस्पांस देखा ऑडियंस का तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो भाई सही राह पे चल रहे हैं, एंड आने वाली फिल्मों में भी ऑडियंस वुड वांट मी टू ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग एल्स। और ये जो प्रेजेंट टाइम का हम जो इंडियन सिनेमा देख रहे हैं सर, लोगों को ग्रे एंड नेगेटिव कैरेक्टर भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अब आपके कैरेक्टर की बात कर ले या रणवीर सिंह की मूवी आई थी पद्मावत या पद्मावती की बात करें, वो जी लोगों को बहुत पसंद आया। जी ये जो हमारे इंडियन सिनेमा में ये जो चेंज है इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने बताया कि बहुत थोड़ा नर्वस था मैं इस हाँ तरह के कैरेक्टर को लेकर, लेकिन आप देख रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ मतलब इनफैक्ट जब हम लोग ने डर फिल्म देखी थी डर देखी तो थी उसमें भी शाहरुख खान का किरदार बहुत पसंद आया था, पसंद मतलब वो भाव खा के ना, भाव खाने वाला रोल वैसा, तो ऑब्वियसली आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब में वो कहते हैं ना कि हर नायक में एक खलनायक और हर खलनायक में एक नायक होता है, तो हम सब में वो एक थोड़ा सा एक नॉटी वाला बच्चा रहता है, बट बिकॉज़ कुछ चीज़ें हमारी एजुकेशन ऐसा है या घर के वैल्यूज़ एंड एथिक्स ऐसे रहते हैं कि हम उस गंदे वाले बच्चे को हम बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो तो है हम सब में, तो हम तो एक्टर्स हैं तो जब ऐसा रोल आता है तो हम उसको थोड़ा सा जगा देते हैं, एंड वी ट्राई टू पोर्ट्रे इट, बट पीपल ऑल्सो वेन दे सी दे फील कि दो वी कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस यू नो, बट कहीं ना कहीं वो एक रहता है ना कि यार जैसे सेटर्स में जो बंदा है कि वो सबको टोपी पहनाता है एंड में और वो वहाँ से निकल जाता है, तो वो कैट एंड माउस वाले गेम में जो बंदा निकल जाता है या जो बंदा जीत जाता है वो लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं थोड़ा पसंद आता है मैं कहूँगा। सो समवेयर ऑल्सो एज एक्टर्स यू नो वो जब आप नेगेटिव करते हो, आई ऑलवेज बिलीव कि जो विलन रहता है वो हीरो से थोड़ा ज़्यादा हमेशा पावरफुल रहता है, ज़्यादा तगड़ा रहता है, ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड किस्म का रहता है विलन, तभी जब हीरो उसको हराता है तो हीरो की जय जयकार होती है कि यार इतने बड़े राक्षस को इसने गिरा दिया, सो वो परफॉर्मेंस में हमें ज़्यादा लिबर्टीज मिलती है नेगेटिव करते वक्त, विच आई ऑल्सो रियलाइज्ड यू नो आप जब अच्छा एक हीरो कर रहे हो तो बेचारे उसको सारे वैल्यूज एथिक्स वगैरह संभाल के ठीक से चलना पड़ता है, बट विलन कैन डू वट एवर ही फील्स लाइक, वट एवर ही विशेज टू, तो समवेयर आई थिंक दैट इज़ वन क्वालिटी विच समवेयर अपील्स टू पीपल की लाइक हाउ पीपल यूज टू रिलेट विद मिस्टर बच्चन इन द 70s की वॉज एंग्री यंग मैन, तो लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो मिस्टर बच्चन पर्दे पे उतारते थे और उनको पसंद आता था कि मार ये 50 लोगों को तू मार सकता है टाइप से नो, तो वैसी वाली क्वालिटी है कहीं ना कहीं वो एक एंग्स्ट लोगों की रहती है, वो जब आप पर्दे पे किसी के थ्रू बाहर निकलते हुए देखते हो तो आपको वो अच्छा लगता है। तो हम ऐसा माने कि क्योंकि हमने तो आपके ढेर सारे कॉमेडी फिल्म देखी है, हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में भी आप इस तरह के ग्रे या निगेटिव वाले कैरेक्टर करेंगे या करना पसंद करेंगे? किसी ने मुझे कहा कि तू नेगेटिव में ज़्यादा अच्छा लगता है इस फिल्म के बाद इस फिल्म के बाद, हाँ तो आई डोंट नो, मैं चाहूँगा कि अलग अलग किरदार हो, ना कि सिर्फ नेगेटिव या ग्रे शेड्स वाले हो, ऑफ कोर्स कॉमेडी इज समथिंग दैट आई एन्जॉय डूइंग तो मैं वो तो बेशक करना चाहूँगा, बट ऐसे कोई जो किरदार आते हैं ना
जो थोड़ा आपके एक्टर को चैलेंज करे, तो वो करना पसंद करूँगा मैं, यू नो. इसीलिए इफ़ यू आस्क मी कि अभी क्या साइन किया, तो मैंने कुछ साइन नहीं किया. मैं रुका था इनफैक्ट कि सेटर्स के इस किरदार पे लोगों की रिएक्शन क्या होगी. तो जब क्रिटिक्स ने और सब ने जब इसे एक पॉजिटिव थम्स अप दिया, तो ऐसा लगा कि ठीक है, अभी रुक के फिर जो आने वाली फिल्में हैं या आने वाले रोल्स हैं वो वैसे सिलेक्ट करें जिसमें कुछ ना कुछ नयापन देने की एटलीस्ट कोशिश कर सके. वो कितना सक्सेसफुल होता है, क्या होता है, वो तो लोग ही डिसाइड करेंगे, बट कोशिश यही रहेगी कि एटलीस्ट कुछ नया ट्राई करें. जी, एंड जब भी मैंने देखा आपकी कोई फिल्म आती है, आपकी मैडम बहुत ही एक्साइटेड रहती है, तो इस फिल्म देखने के बाद उनका क्या रिस्पांस था? उन्होंने भी ऐसा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वाला कमेंट्स आपको किया? नहीं, वो एक्चुअली फिल्म को लेके बहुत क्या कहते हैं, हमेशा से ही आपको मतलब वो एक किस्सा पता नहीं होगा. जब हमारे इकबाल की पहली नई नई शादी हुई थी और इकबाल जब रिलीज़ हुई, तो इकबाल के पहले स्क्रीनिंग के वक्त, प्रीमियर की स्क्रीनिंग के वक्त वो बेहोश हो गई थी. क्योंकि वो क्या कहते हैं, यू नो, आप इतने जब खुश होते हो तो मुझे स्क्रीन पे देख के, और इतने सारे लोग आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे स्क्रीनिंग के लिए, तो वो देख के शी वॉज सो ओवरवेल्म्ड कि वो खुशी के मारे वो, यू नो, बेहोश हो गई थी. सो शी इज़ लाइक दैट. शी ईट्स, ड्रिंक्स, स्लीप्स, ड्रीम्स ओनली अबाउट मी एंड माई सक्सेस. सो ये शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स, बिकॉज उसको भी ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर था कि एक नेगेटिव शेड्स का कैरेक्टर है, तो लोग पता नहीं, क्योंकि हमेशा मुझे गुड बॉय के इमेज में लोगों ने देखा है, तो ऐसे इमेज में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे. सो नाउ व्हेन वी नो द रिस्पांस, शी इज वेरी हैप्पी. जी, एंड इसके अलावा हमने सुना कि आप ढेरों सारी फिल्में आप डायरेक्ट भी करने वाले हैं. ढेरों सारी कुछ मराठी फिल्में हैं कुछ? नहीं नहीं, एक मराठी फिल्म मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ, और एक हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ. सो फिलहाल और एक मराठी फिल्म में मैं काम करूँगा एज एन एक्टर. सो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ ढेरों सारा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ. एंड वेब सीरीज में भी हमने आपको देखा था, तो आप कंटिन्यू? हाँ, नहीं और करेंगे, बट वेब सीरीज भी जो ऑफर्स है वो ओके ओके है, वो उतने कुछ एक्साइटिंग है नहीं. इनफैक्ट हम लोग हमारे प्रोडक्शन में एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं जो उम्मीद है कि इस साल में हम उसको ऑन फ्लोर डालें. जो अभी तक जाते आते, जिन्होंने अभी तक आपकी सेटर्स नहीं देखी, उनके लिए जरा कुछ मैसेज? बस यही कहेंगे, यू नो, कि जल्द से जल्द थिएटर में जाइए और देखिए. यू नो, वी हैव ट्राइड समथिंग न्यू. सब्जेक्ट इसका इनफैक्ट काफ़ी नया है, और ये एग्जाम टाइम, रिजल्ट टाइम चल रहा है, तो बड़ा सा रेलिवेंट सा वो सब्जेक्ट है कि पेपर की सेटिंग वेटिंग लोग कैसे करते हैं, और उसमें मैसेज थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मत कीजिए, बिकॉज कुछ 50 लोगों के लिए हम 500 लोगों का करियर बर्बाद कर रहे हैं. तो ये फिल्म उस पर आधारित है, बट फिल्म है तो एंटरटेनिंग है, थ्रिलर जॉनर की है, तो ज़रूर जाके देखिए आपके नज़दीकी थिएटर्स में. इस फिल्म का नाम है सेटर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.